Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. मेरा नाम अली हमदा सुहेल है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बैच 25 का स्टूडेंट हूँ। अपना ब्रीफ सा एकेडमिक रिकॉर्ड दूँ तो मेरे मैट्रिक में 1073 मार्क्स थे, GCU में एडमिशन हुआ, FSC में एक्सपेक्टेड मार्क्स 470 प्लस थे लेकिन 444 आए। खैर अभी MCAT पर ही थी और अभी सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम पड़ा था, सोचा था कवर अप कर लेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली FSC में 988 आए और MCAT में 183, तो कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। लाइफ का गोल सेट था करना MBBS ही था तो रिपीट करने निकल पड़े, साथ में FSC को भी इम्प्रूव किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स मेरे FSC में 1021 है और MCAT में 194 मार्क्स के साथ किंग एडवर्ड में एडमिशन लिया। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने तैयारी किस तरह की, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम कैसे मिला, तो इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि मैं अपने दोनों सालों को कंपेयर करूँ, अपनी गलतियाँ बताऊँ जो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में की थी और जिनको मैंने कवर अप किया अपनी सेकेंड अटैम्प्ट में, ताकि आप लोग वो गलतियाँ रिपीट ना कर सकें। क्योंकि बहुत से लोगों की तरह मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी तैयारी 100% थी, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, टीचर का कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि हर चीज़ 100% होने के बावजूद भी मेरे मार्क्स वो एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ सके MCAT में। एक जो स्कोर था जो सोचा हुआ था वो नहीं हो सका। तो सबसे पहले मैं अपना पेपर डिस्कस करूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट का, उसमें मेरे 183 मार्क्स थे। बाद में जब मैंने अपनी गलतियों को रिव्यू किया तो उसमें से सिर्फ 3 गलतियाँ ऐसी थी जो वाकई मेरी मुझसे हुई थी, बाकी जो उसमें थी मैंने कैलकुलेशन उसमें गलत कर दी, सॉल्व गलत किया, आते होने के बावजूद भी मैंने उनको गलत सॉल्व किया, उनका बबल फिल गलत हो गया। तो अब ये गलतियाँ एग्ज़ाम के दौरान क्यों हुई, इन सब की भी एक रीज़न थी, वो गलतियाँ जो मैंने अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में की थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहली मिस्टेक, मैंने जब भी प्रिपरेशन की किसी चैप्टर की, कोई क्वार्टर सिलेबस की या फिर पूरे सिलेबस की, मैंने उनकी प्रैक्टिस बहुत कम की। प्रैक्टिस से मुराद जो हमारे नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे या फिर मुख्तलिफ जगह पे जो पास पेपर्स हैं उनको, या फिर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स MCAT के अलावा, NUMS हो गया, UET का एग्ज़ाम हो गया, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, मैंने उनमें से कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने सारा टाइम अपनी बुक रीडिंग को दिया था। मैं सोचता था कि क्योंकि मेरा FSC में कॉन्सेप्ट अच्छे थे और MCQ का पेपर मेरा हमेशा 100% रहा था, चाहे वो FSC में हो या फिर एकेडमी टेस्ट में हो, तो मैं सोचा था कि MCQ आराम से हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लो वो काफ़ी रहेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी ये, क्योंकि जब MCAT का पेपर सामने आया तो स्टेटमेंट्स पढ़ने में बहुत टाइम लगा, एक स्टेटमेंट बार बार पढ़ रहा था, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि मैंने टाइम लिमिट में कभी रह के प्रैक्टिस की ही नहीं थी। जब टेस्ट आता था तो उसमें भी जितना पेपर आराम से हो गया वो कर लिया, बाकी पेपर के वो स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर उसकी पिक्चर्स ले ली कि बाद में कर लेंगे आराम से। बाद में फिर एक बगैर किसी टाइम लिमिट के उस सवालों को आराम से 5 मिनट में, 3-4 मिनट में, जितना टाइम उस क्वेश्चन लेते थे बगैर किसी टाइम लिमिट के उनको सॉल्व किया करता था। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी। अब जब पेपर MCAT का आया तो उसमें टाइम मैनेजमेंट मेरी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो जो क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड है कि आपने 10 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में करने हैं, वो मेरे 20 सेकंड्स, इवन के 1 मिनट भी ले रहे थे। जब आप MCAT का पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो मेन चीज़ उसमें होती है टाइम मैनेजमेंट, अगर वो आपकी नहीं है तो आपको चाहे पेपर कितना भी अच्छा आता हो आपके कभी एक अच्छे स्कोर MCAT में नहीं हो सकता। खैर सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा, क्योंकि चीज़ें पहले सारी पड़ी हुई थी, कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर थे, तो मैंने मेन ध्यान दिया अपनी प्रैक्टिस को, और प्रैक्टिस भी बबल शीट के ऊपर, क्योंकि सिंपल टिक लगाना या और बबल फिल करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बबल फिल करने में आपको कम से कम 3 to 5 सेकेंड लगते हैं जो कि आपने उसको देना है, जबकि टिक लगाने में सिंपल 1 सेकेंड से भी कम लगता है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस तभी होगी कि आप एक टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए बबल्स को सॉल्व करें, चाहे वो आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं
या फिर एकेडमी का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई वो ये कि नया नया एम कैट से एक्सपोजर था, तो हर चीज़ पढ़ने का शौक था कि कहीं से भी आपका एम सी क्यू आ जाएगा। तो जो टाइम मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ों को देना चाहिए था, जैसे कि एम सी क्यू की प्रैक्टिस को या फिर अपनी रिवीजन को, वो टाइम मैंने अपना दिया फजूल चीज़ें उसको पढ़ने में। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मुझे अपने टेबल्स सारे याद थे, लेकिन टेबल्स की कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। सिर्फ वो टेबल्स जो आपके टीचर्स आपको मार्क करवाएं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी टेबल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और बाकी काफ़ी चीज़ें बुक में इधर उधर लिखी होती हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सिंपल जो चीज़ें होती हैं, और फिर जो चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको उनके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट वो टाइम जो आप कहीं आपके कोई चैप्टर आपका कोई रिमेनिंग पड़ा हुआ है या फिर आपके कोई क्वेश्चन पेपर आपका कोई सॉल्व करना रहता है, अगर आप वो टाइम उसको दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय के अगर आप वो टाइम एक फजूल चीज़ पढ़ने में आपको लगा रहे हो। एक और चीज़ के मार्केट में बहुत से नोट्स, बहुत से जो हेल्पिंग बुक हैं वो अवेलेबल हैं। कंपनीज के दरमियान कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो वो एम कैट के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें बीच में ऐड कर देंगे कि जिनको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर टाइम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बुक में रहना है, पेपर आएगा आपकी बुक के ऊपर, बुक के अंदर से, बुक से बाहर कुछ नहीं आ सकता आपका, ठीक है? तो आपकी FSC के लेवल की चीज़ें आएंगी, जबकि उन्होंने जो कंसेप्ट डाले होते हैं वो BSC के लेवल के डाले होते हैं। आप उनको समझने में उनके ऊपर फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि मैंने भी किया था अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो इस ये आपने नहीं करना। अब सेकेंड अटैम्प्ट में क्योंकि मुझे एक एम कैट का एक्सपीरियंस था कि किस तरह के सवाल आते हैं, तो इस गलती से मैं बच गया था। एम सी क्यू की तैयारी के लिए आपने सिर्फ अकेडमीज के जो नोट्स हैं, जो एक मेयारी नोट्स हैं, आपने सिर्फ उनमें से एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। उनमें किप्स है, स्टार्स है, स्टेप्स हैं, ये जो या भी यूनिक भी शामिल कर लें, ये बुक हैं जो आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी अवेलेबल है उसमें या तो बहुत ही आसान चीज़ें लिखी होती हैं सिर्फ वो एम सी क्यू के नंबर बढ़ाने के लिए, या फिर इतनी मुश्किल चीज़ें लिखी होती हैं कि वो एंड एट द एंड आपको डिमोटिवेट ही करती हैं कि ये और आपको टाइम वेस्ट करती हैं। एक और गलती जो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से हुई वो ये कि मैंने अपनी गलतियों का ट्रैक नहीं रखा। टेस्ट होते हैं आपकी गलतियां आपको बताने के लिए कि ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो अगर आप अपनी गलतियों का ट्रैक ही ना रखो तो टेस्ट का मकसद ही नहीं। अब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी जितनी भी गलतियां थीं उनको मैं याद कर लेता था या फिर उनका पिक्चर ले लेता था कि बाद में इसको कभी देख लूँगा। तो इसका हुआ कि जब मैंने अपनी तैयारी को समराइज़ करना था, जिसमें आप अपनी गलतियों को देखते हो क्योंकि आपने बुक तो पढ़ ली होती है, अपनी तैयारी वो प्रैक्टिस कर ली होती है, तो अब जो आपने अपनी गलतियां देखनी होती हैं वो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। जबकि अब सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ये किया कि जब भी मेरी कोई गलती होती थी उसको बुक के ऊपर उस टॉपिक के साथ, अब उस पूरे MCQ को अलॉन्ग विद उसके ऑप्शंस के साथ पूरा लिखा करता था, उसका सोल्यूशन भी, ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये MCQ मेरा गलत था, इस टॉपिक के अंदर मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक था। तो दो बार उसको जब रिवाइज़ करता था, तीन बार रिवाइज़ किया तो वो मेरा कॉन्सेप्ट भी ठीक हो गया, मेरा वो जो टॉपिक था मज़ीद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको एक रूटीन चाहिए होती है, आप एक रूटीन के पीछे भागते हो, आप मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हो, मेरा टाइम टेबल सेट करके दें। हर बंदे का पढ़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने का तरीका, लर्निंग कैपेसिटी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आप किसी के दूसरे के रूटीन के पीछे अगर आप भागोगे तो आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते, जिस कंफर्ट लेवल में रह के आप पढ़ाई कर सकते हो वो आप नहीं कर सकते। मैंने भी ये गलती की थी। हमारे एकेडमी में मोटिवेशन स्पीकर आते थे, उन्होंने एक ऐसा आइडियलाइज किस्म का दिया वो टाइम टेबल कि आपने इतने घंटे सोना है, इतना पढ़ना है, इतना करना है, नहीं हो सकता था। तो जब नहीं उसको फॉलो कर सकते आप तो टेंशन होती है, आपका काम इकट्ठे से इकट्ठा होता जाता है, आप प्रेशराइज हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो एंड पे, और आपका जो स्कोर है वो सही नहीं हो पाता। तो
तो ये चीज़ मैंने सीखी थी कि आपने अपना कंफर्ट लेवल में रह के अपना शेड्यूल बनाना है, ना कि किसी के शेड्यूल को फॉलो करना है। और अपना जब शेड्यूल बनाए अपनी चीज़ों को कि आज मैंने ही कि इस हफ्ते मैंने या फिर आज मैंने इतना काम करना है, तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बनाए। पागलों की तरह नहीं पढ़ना, तमीज़ से पढ़ना है। चाहे एक टॉपिक आपको 5 घंटे ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है, आप उसको वो प्रॉपर टाइम दो, ना कि ये कि एक दिन में मैंने 3 चैप्टर 5 चैप्टर करने हैं, तो उसके लिए आप उस जो प्रॉपर तरीके से आप जो एक चैप्टर को उसके जो रिक्वायर्ड टाइम है आप वो भी ना दो। और अगर आप दो तो आपका शेड्यूल ख़राब हो जाए। तो शेड्यूल ऐसा बनाओ कि आप एक प्रॉपर टाइम हर चैप्टर को भी दो, उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसका A to Z पूरा चैप्टर, उसका सारा कॉन्सेप्ट करो। और चाहे आपका जो टाइम टेबल है, जो कोर्स है या फिर पूरा सिलेबस है, वो हफ्ता बाद ख़त्म हो जाए, हफ्ता पहले करने की कोशिश में, ज़्यादा के चक्कर में अपना जो उसकी जो रिक्वायर्ड टाइम है वो ख़राब ना करो। फर्स्ट टाइम पे मेरे से यही गलती हुई थी कि मैंने अपना टाइम टेबल ऐसा बनाया कि आज मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में रहकर वो सारा नहीं हो सकता था, तो काम मेरा इकट्ठे से इकट्ठा होता गया कि इसको मैं बाद में कर लूँगा। तो आप शुरू में ही ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि थोड़ा काम करो लेकिन परफेक्ट करो, ज़्यादा के चक्कर में ना भागो। मेजोरिटी MCQs में ट्रिक चलती हैं ताकि आप कम टाइम में रह के उसको सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऐसी चीज़ों पे यकीन भी नहीं रखता था कि मैं सोचता था कि मेरा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर देना है मैंने जब मेरे पास MCQ सॉल्व करूँगा। लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस चीज़ को किसी चीज़ से लिंक कर दें, कोई ट्रिक बनाएं, कोई निमोनिक्स बनाएं, तो आपको MCQ सॉल्विंग टाइम जो रिक्वायर्ड है वो 15 सेकेंड से 5 सेकेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कोई इस तरह कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं की थी। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने जो टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, जिसके MCQ बहुत आते थे, जो उसके उसको मैंने लिंक कर दिया किसी निमोनिक के साथ, किसी ट्रिक के साथ, या फिर कोई ऐसी मैंने कोई ऐसी उनको चीज़ों से लिंक किया ताकि वो MCQ मेरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको मैं एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकूँ। अगर तो मेरी तरह आपके मार्क्स कम हैं FSC में, तो उसकी टेंशन प्लीज़ ना लीजिएगा, क्योंकि अगर उस वजह से आप प्रेशराइज हो गए तो फिर आपको वो एंड तक आपको वो डिमोटिवेट करता रहेगा, जो कि गलती मेरे से हुई कि मैंने अपनी MCAT की तैयारी के साथ उसको भी अपने ऊपर इतना सवार कर लिया कि एक टेंशन में जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आप सही तरह उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ये सोचा था कि बजाय कि मेरे FSC में मार्क्स मेरे इतने अच्छे नहीं हैं, सारा मैंने अपना टाइम देना है अपने MCAT को, जो पीछे हो चुका है उसको मैंने दोबारा नहीं सोचना। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल भी रही थी मुझे कि मैंने अपना फुल फोकस MCAT को दिया था सेकेंड अटैम्प्ट में। जब आप टेस्ट करते हो अकेडमी में, आपके साथ बहुत से लोग होते हैं, आप सबका देखते हो कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फलाने टॉप किया इस टेस्ट में, मेरी 4 गलती हैं, उसकी 1 गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका हो जाना है मेरा नहीं होना। आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है, टेस्ट आपको अपनी आपकी गलतियाँ दिखा रहा है, उससे आपने सीखना है, ना कि ये कि साथ वाले के जो उसका स्कोर है उससे आप सीख रहे हो कि मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये बहुत किया था कि मैं दूसरों का देख रहा था कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी है, जबकि मैं मुझसे नहीं हो पा रहा, शायद मुझसे ना हो पाए। सेकेंड अटैम्प्ट में एक ब्लेसिंग मिल गई कि लॉकडाउन था तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस थे, आपको किसी से पता भी नहीं था कि अगला पेपर सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये आपने करना है, चाहे आप अभी अगर लॉकडाउन में पढ़ो या फिर घर में पढ़ो या फिर एकेडमी में पढ़ो, अपने काम पे फोकस रहो, किसी दूसरे का ना देखो। दूसरे की तैयारी आपसे 100 गुना अच्छी होगी, लेकिन आप अगर ऐसा था सीख रहे हो तो आप भी उस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि एक वक्त आएगा कि आपका भी MCQ कोई गलत नहीं होगा। तो आपने अपने काम पे फोकस रहना है, टेस्ट में अगर गलती होती है तो उसे घबराना नहीं है आपने। और यार आखिरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सॉरी सबसे इसको एंड पे ऐड कर रहा हूँ कि यार आपकी इबादत, 50% आपकी मेहनत है, 50% आपकी दुआएं हैं जो आपके साथ होंगी, जो आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स आपको दुआ तो देते हैं, लेकिन जो आप दुआ खुद मांगते हो अल्लाह से, उसमें ज़्यादा ताकत है। आप 50% काम तो कर रहे हो, लेकिन बाकी जो 50% है जो कि अल्लाह की तरफ से होना है, उसमें आपको ताही कर लेते हो।
तो फिर ये चीज़ होती है कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बाकी फैक्टर्स तो अफेक्ट कर रहे हैं, अगर ये फैक्टर शायद अगर ऐड हो जाए तो शायद बाकी फैक्टर्स का असर निकल जाए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से ये गलती हो गई थी। ये सब वो चीज़ें थी कि अगर इन पे मैं अपना ध्यान फर्स्ट अटैम्प्ट में भी देता या फिर इनको फॉलो करता तो शायद मेरा एडमिशन हो सकता था। कामयाबी या नाकामी अल्लाह के हाथ में है। वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। आप अपनी मेहनत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। मेहनत में आपने कमी नहीं करनी, दुआओं में आपने कमी नहीं करनी, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।